गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ के मैथ्स चैप्टर टू बहुपद प्रश्नावली 2.5 क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका सिद्ध कीजिए, आपको प्रूफ करना है। इसका ए पार्ट है और बी पार्ट में भी सेम वही चीज़ है। आप देखिए, आप ए पार्ट समझिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या हैं, आपस में बीच में इक्वल टू का साइन है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब देखिए, आप नोटिस करेंगे कि जो ये एल एच एस है, यानी कि जो बाएं हाथ की तरफ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये एक छोटा सा बहुपद समझ लीजिए आप इसको, एक छोटा सा बहुपद है। जबकि इधर एक क्या है, एक आपके पास एक बहुत बड़ा सा बहुपद है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी चीज़ को हम जब तोड़ेंगे, हम उसको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स करके ये छोटी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी चीज़ से हम इतना बड़ा नहीं बना सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कहाँ से बढ़ेंगे, ये इसका एल एच एस कहलाता है, जो बाएं हाथ की तरफ आपका है ये इसका एल एच एस हो गया, जो इक्वल टू के बाद का है ये इसका क्या कहलाता है, आर एच एस कहलाता है ना। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो जो आपका राइट हैंड साइड है, हम वहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो मैंने हल ऐसे लिख दिया है कि जैसे क्वेश्चन में पूरा दिया है कि हल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लाइन एज इट इज़ लिख लिए। अब हम आर एच एस से आगे बढ़ रहे हैं, तो आर एच एस वाला पोर्शन ये वाला है, तो मैंने इसको लिख लिया है दोबारा से, क्योंकि हमें तो इसको सॉल्व करके एल एच एस लाना है। तो इसमें मैंने लिख लिया आर एच एस इक्वल्स टू, आर एच एस की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इतना ये आर एच एस है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है आपको कि धीरे धीरे इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, विस्तार करना है। जब हम इसको विस्तार करेंगे, यानी कि हमें इसको सॉल्व करके क्या लाना है, एल एच एस लाना है। तो आप देख रहे हैं कि जब आर एच एस में एक्स प्लस वाई है, एक नंबर एक्स है, फिर एक नंबर क्या है, वाई है प्लस वाई, यानी कि पहले एक्स, अब बीच में जब ये दो ब्रैकेट हैं, तो जब दो ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, बीच में गुणा होता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दो ब्रैकेट्स अगर साथ साथ दिए हैं और बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब वो गुणा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस एक्स वाले का गुणा, आपको क्या करना है कि एक्स वाले का गुणा इस एक्स का गुणा इस पूरे के साथ करना है, फिर प्लस इस वाई का गुणा इस पूरे के साथ करना है। ठीक है, तो यानी कि एक एक बार इस सब के साथ गुणा हो जाएगा, यानी कि इसका विस्तार हो जाएगा। तो कैसे करेंगे कि एक्स गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इतना लिखा, फिर प्लस तो है ही बीच में ये वाला प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया, फिर प्लस वाई का गुणा इस पूरे के साथ, तो ये लिख दिया। अब आपको गुणा करना तो आता ही है, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ होगा, तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, फिर बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, फिर एक्स का गुणा एक्स वाई के साथ होगा, तो दो एक्स हो जाएंगे, यानी कि एक्स की घात दो, एक्स की पावर टू, एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस एक्स का गुणा वाई स्क्वायर के साथ, तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस वाई का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ, तो वाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, मैंने एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया है, कोई बात नहीं। फिर माइनस है बीच में, ये प्लस माइनस का माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इस वाई का गुणा एक्स वाई के साथ, तो एक्स तो एक ही है लेकिन वाई दो हो गए, तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया, फिर इस वाई का गुणा वाई स्क्वायर के साथ, तो वाई क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अब आप देखो कि जो चीज़ें सेम हैं और प्लस माइनस में हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगी, जैसे प्लस का फाइव और माइनस का फाइव होता है ना, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, प्लस का टू और माइनस का टू होता है, कैंसिल हो जाते हैं, वैसे प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कैंसिल हो जाते हैं। हमें यहाँ पे सेम चीज़ें ढूंढनी है कि कौन कौन एक जैसी हैं और कौन कौन कैंसिल इसमें हो जाएंगी। देखो, एक्स क्यूब के साथ कोई भी माइनस का नहीं है, ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो इसको कैंसिल करने के लिए इसी का प्लस वाला चाहिए होगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, देखो कहीं पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, हाँ जी है, ये मिल गया, तो हमने इसको और इसको कैंसिल कर लिया। अगला है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का है, तो इसी का माइनस का ढूंढो, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, वो भी मिल गया, तो कैंसिल हो गया, सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, बचा क्या रह गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये और ये बचा रह गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ना एल एच एस के बराबर, जो हमने एल एच एस बोला था शुरू में, ये वाला नंबर, ये वाला बहुपद। ठीक है, तो इस टाइप से आ गया। उसी प्रकार इसका बी पार्ट है, वो भी बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, आप उसको भी देख सकते हैं, खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई
ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सेम वही करना है, बड़ी चीज़ से छोटे में ब्रेक करना है। हम आर एच एस से बढ़ेंगे, ये इसका आर एच एस पोर्शन है, हमने आर एच एस लिख दिया, वही इस एक्स का गुणा इस पूरे के साथ माइनस इस वाई का गुणा इस पूरे के साथ, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर कि इस एक्स का गुणा इस उस पूरे पद के साथ आ रहा था, माइनस वाई का गुणा उस पूरे के साथ। अब गुणा करके देखो आप क्या आता है, एक्स का गुणा एक्स के साथ एक्स क्यूब प्लस एक्स का गुणा एक्स वाई के साथ एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर प्लस एक्स का गुणा वाई स्क्वायर के साथ एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ गया। फिर माइनस है बीच में, ठीक है माइनस है जी, तो वाई का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अब ये माइनस बाहर है, अंदर प्लस है, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस को भी किस में चेंज कर लेगा, माइनस में, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का अंदर जाएगा तो ये इसको माइनस में कन्वर्ट कर लेगा, माइनस वाई क्यूब, वाई का गुणा वाई स्क्वायर के साथ वाई क्यूब। अब देखिए कि कैंसिल कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, एक्स क्यूब सिंगल है, उसके साथ कुछ नहीं है, ठीक है। प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई के लिए देखो उसी का माइनस वाला होना जरूरी है, इसका माइनस वाला आ गया, ठीक है जी। फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, उसी का माइनस वाला होना जरूरी है, कैंसिल। बची कौन सी चीज़ें, बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया, एल एच एस आ गया। तो हमने ये इसके दोनों पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस बेस्ड हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ईजी हैं।